मित्रों प्रणाम, मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपका स्वागत करता हूँ चैनल ओम आलोक के कार्यक्रम तंत्र मंत्र वयंत्र में। वह हम आपको इस समय लेकर चल रहे हैं आपके लिए एक श्रृंखला, किस देवी और किस देवता की पूजा से आपको क्या फल मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से देखें, इस प्रकार का एक ऑप्शन उनके स्क्रीन पर होगा सब्सक्राइब, लाल रंग से लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सब्सक्रिप्शन ऑन हो जाएगा और उसके बाद इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा, ये है बेल आइकॉन, इस पर भी क्लिक कर देंगे तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। मित्रों तो अब आपको मैं बताता हूँ वो उपाय जिनके लिए मैं आया हूँ। पहला उपाय यह है मित्रों कि यदि आपको किसी गरीब व्यक्ति से परेशानी हो रही है, अर्थात गरीब व्यक्ति में आपके घर में काम वाली बाई होती है जो काम करने आते हैं और रिक्शा चालक है आपके बच्चों का, इस प्रकार के जो निम्न स्तर के व्यक्ति होते हैं उनसे यदि आपको परेशानी हो रही है और कोई समस्या है तो आप राहु केतु व शनि की पूजा करें और राहु केतु व शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान करें। शनि की वस्तु जैसे कि आप जानते हैं तेल और लोहा, आप उसको दान करें तो आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। एक दूसरा उपाय है, बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है मित्रों, भूमि से संबंधित जो समस्याएं हैं अर्थात आपकी जमीन आपकी भूमि अगर आपके पास है तो आपको कोई परेशानी आ रही है उसके ऊपर कब्जे की या कोई अन्य परेशानियां, सरकारी या गैर सरकारी कैसी भी परेशानियां हो सकती हैं, या आपको भूमि चाहिए तो भूमि के लिए आपको मंगल देव की पूजा करनी चाहिए। मंगल देव को भूमि पुत्र कहा जाता है, अर्थात पृथ्वी के पुत्र हैं मंगल देव, आप उनकी आराधना करें उनका पूजन करेंगे तो आपको भूमि के संबंध में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको कैसे लगे हमारे उपाय आप हमें सूचित करिएगा अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से हमारे चैनल सब्सक्राइब करें व देखते रहें कार्यक्रम तंत्र मंत्र वयंत्र व कुछ अंजनी इनकी कहानियां। इस सभा के लिए इतना ही मित्रों, अन्य सभाओं में आपसे फिर भेंट करूंगा, तब तक के लिए मातेश्वरी आपका कल्याण करे, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।